आई एम आर्किटेक्ट रुचि का और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल द आर्किटेक्ट्स किचन में। तो चलिए आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट डोमिनो स्टाइल फार्म हाउस पिज्जा। आप इसे वेज पिज्जा भी कह सकते हैं और ये बहुत ही इजीली बन जाता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो क्या है ये टिप्स एंड ट्रिक्स, तो बनी रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल द आर्किटेक्ट किचन को सब्सक्राइब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1/4 कप वार्म वाटर। ध्यान रखिए आई सेड वार्म वाटर ना कि हॉट। तो उसमें हमको डालना है 1 teaspoon शुगर और कर देना है मिक्स। और उसके बाद डालना है 1 teaspoon ड्राई ईस्ट और उसे कर देना है फिर से मिक्स। तो और उसे छोड़ देना है 15 मिनट्स रेस्ट पे। तो आफ्टर 15 मिनट्स रेस्ट के बाद आपका वाटर इसका मिक्सचर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो गाइस अगर आपका वाटर और ईस्ट और शुगर का मिक्सचर कुछ इस तरीके से ना दिखे तो ध्यान रखिए आप उसे आगे यूज ना करें, उससे आपकी ब्रेड फूलेगी नहीं। तो अगर इस तरीके का मिक्सचर ब्लूम ना हो तो या तो आपकी ईस्ट एक्सपायर होगी या अच्छी क्वालिटी की ना होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो उसमें मैंने 1 full cup ऑल पर्पज फ्लावर एंड मैदा ऐड किया है और सॉल्ट टू टेस्ट एज पर योर टेस्ट। और अब इसमें हमें डालना है पिज्जा मिक्स दैट इज इटालियन हर्ब्स और ऑरिगेनो। तो इसे मैं कर दूंगी अच्छे से मिक्स। इसे हमको एक स्टिकी फॉर्म में नीट करना है, इसका एक स्टिकी सा डो बनाना है। इस प्रोसेस में हमको अराउंड 15 मिनट्स लग जाता है बिकॉज नीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर द मेकिंग ऑफ पिज्ज़ा। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको मिक्सचर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हमें इसे कीप पुलिंग और नीडिंग, पुलिंग एंड नीडिंग प्रोसेस से नीट करना है इस तरीके से। देखिए मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है एक बड़े से परात में और मैं इसे पुल कर रही हूँ और नीट कर रही हूँ। ऐसा करने से ग्लूटेन फॉर्म होता है, ग्लूटेन फॉर्म होने में हेल्प होती है और उससे हमारी ब्रेड बहुत फ्लफी बनती है जो खाने में बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है। तो आफ्टर कुछ मिनट मैंने अप्लाई किया है सम ऑयल और हमें इसे जहाँ रेस्ट पे डालना है उस पॉट में भी हमको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके यहाँ रख देना है। तो इसे हमें लगभग रखना है 1 घंटे तक, 1 से 2 घंटे तक, डिपेंडिंग अपॉन योर वेदर और योर टेम्परेचर जहाँ आप यहाँ इसे रखते हो। तो इसे अच्छे से वार्म प्लेस में रखिए। तो मीनवाइल चलो देख लेती है पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो हमें पिज़्ज़ा के बेस में लगाने के लिए चाहिए रहेगा। तो यहाँ मैंने टमाटो, रेड चिलीज़, ड्राई रेड चिलीज़ और गार्लिक को बॉईल कर लिया है और चलिए सॉस बनाते हैं। तो कुछ ऑयल हॉट करके मैंने यहाँ उसका प्यूरी ऐड किया है टमाटो, रेड चिलीज़ और गार्लिक का। और मैंने यहाँ डाला है ऑरिगेनो, कुछ चिली फ्लेक्स और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़ा सॉस में। तो इसे कर दीजिए मिक्स और कुछ देर बाद हमें इस सॉस में डाल देना है दी यमी इंग्रेडिएंट दैट इज हमारा टोमेटो केचप। तो मैंने यहाँ टोमेटो केचप डाल दिया है और अगेन कर लेते हैं मिक्स मिक्स मिक्स। और आगे हमें इसे इसमें ऐड करना है चिली सॉस। ये दिस इज नॉट मैंडेटरी, इसे आप
चाहे तो डाले या ना डाले। तो लीजिए, कर दिया है मैंने मिक्स और ये रहा हमारा यम्मी सा और बहुत ही टेस्टीएस्ट पिज़्ज़ा सॉस रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे ऑल पर्पस फ्लावर का हाल क्या हुआ है। देखिए गाइस, पहले कुछ इस तरीके के था और फूल के एक घंटे बाद कुछ ऐसा आया। देखिए मैं फिंगर से कैसे बबल्स रिलीज कर रही हूँ। ओके, तो इसे अगेन हमको नीड करना है कुछ 2 मिनट्स और मैं ऐसे अगेन कुछ इस तरीके से नीड कर रही हूँ और इसे मैंने इक्वल पोर्शन में 7 to 8 बॉल्स निकाल दिए हैं। देखिए 1 कप मैदा में आपको अराउंड 7 to 8 पिज़्ज़ास आराम से, मिनी पिज़्ज़ास आराम से बन जाएंगे। तो मैंने इसे बेल लिया है और थिकनेस कुछ 1/4 इंच इतनी होनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये रहा मेरा मिनी पिज़्ज़ा जो मैंने बेल करके रेडी किया है और मैं इसके बेस में ऐसे फोक से डिज़ाइन बना दूंगी। सो इससे हमारा ब्रेड रोटी जैसे फूलने में ना फूलने में हेल्प होती है, जो कि फ्लपी तो बनेगा लेकिन हमको उसे चपाती जैसा फुलाना नहीं है, राइट। तो चलिए मैंने इसमें फोक से मार्क कर दिया है और इसके एजेस में मैं थंब से प्रेस कर दूंगी फॉर दी मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा। ओके, तो देखिए थिकनेस मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, थिकनेस होनी चाहिए कुछ 1/4 इंच और देखिए हमारे सारे पिज़्ज़ा बेस बन करके रेडी है। तो चलिए जल्दी से इसे असेंबल कर लेते हैं और टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा बनाते हैं। ओके, तो मैंने हमारे बेस पे लगाया है हमने अभी जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया था वो, ऐसे इस पे अप्लाई कर दीजिए ऑल ओवर योर पिज़्ज़ा। बट देखिए सर, ये फूलने के बाद थोड़ा सा स्पेस और लेता है, तो एकदम एंड टू एंड आप ना ही करें तो बेटर रहेगा स्प्रेड। तो इस तरीके से आपको कर लेना है अपने पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड और आगे डालनी है उस पे और भी अपनी मनचाही टॉपिंग्स। तो मैंने सारे हम पिज़्ज़ा ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर लिया है और अभी हमको डालना है आगे हमारा फेवरेट और सबका फेवरेट चीज़ और कुछ टॉपिंग। तो मैंने इस टॉपिंग में लिया है कॉर्न्स, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और मोज़रेला चीज़। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ कुछ कट्स मोज़रेला चीज़ के और देखिए गाइस बी जेनरस, इट्स अ पिज़्ज़ा यू नो, सो हमें चीज़ तो डालना पड़ेगा, उसके अलावा टेस्ट तो आएगा नहीं। तो बी जेनरस यार, पिज़्ज़ा तो हम लोग कभी कभी ही खाते हैं, राइट, फॉर द हेल्थ इश्यूज। तो ओके, तो मैंने यहाँ डाल दिया है अनियन, कैप्सिकम और टमाटो और कुछ सीड्स कॉर्न के, इससे बहुत ही यमी यमी टेस्ट आता है, ट्रस्ट मी। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे शेयर कीजिए और मेरे चैनल द आर्किटेक्ट्स किचन को जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच ए कैफे स्टाइल रेसिपीज। ओके, तो मैंने यहाँ हमारे पिज़्ज़ा को ऐसे एकदम चीज़ी तरीके से सजा दिया है और चलिए देखिए ये हो गया है अवन में जाने के लिए एकदम रेडी। तो ऐसे ही मैंने चारों हमारे पिज़्ज़ा को सजा दिया है और डाल दिया है 220 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड अवन में और कुछ 15 मिनट्स बाद ले लीजिए हमारे डिलीशियस पिज़्ज़ास हो गए हैं रेडी। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, लेट्स बिगिन स्ट्रेट अवे।
तो चलिए जल्दी से इसका कर लेते हैं सर्विंग। और एकदम गर्मा गर्म चीजी वेज पिज्जा, डोमिनो स्टाइल वेज पिज्जा हम करते हैं सर्व। आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। बाय।